आज जन्माष्टमी के त्योहार के दिन शेयर बाजार में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत अच्छी बढ़त के साथ हुई है और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में उछाल देखा जा रहा है। प्री ओपनिंग में ही बैंक निफ्टी 51,100 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और बैंकिंग शेयरों में मजबूती बनी हुई है। बात करें बाजार ओपनिंग की तो शेयर बाजार की ओपनिंग में एनएसई का निफ्टी चढ़कर 24,906.10 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, जबकि बीएसई सेंसेक्स की ओपनिंग 81,388.26 के लेवल पर हुई है। बात करें बीएसई सेंसेक्स अपडेट की तो सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं और 5 शेयरों में मजबूती देखी जा रही है। सेंसेक्स के टॉप 5 शेयरों में आईटी सेक्टर के 2 शेयर हैं, जिनके नाम टीसीएस, टेक महिंद्रा हैं। इसके साथ ही टाटा समूह में भी 2 शेयर दिख रहे हैं। टीसीएस और टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयरों के नाम भी शामिल हैं। सुबह 9:42 पर शेयर बाजार का हाल देखें तो निफ्टी बैंक 51,200 के पार चला गया है और शेयर बाजार में तेजी बढ़ गई है। सेंसेक्स 549.38 अंक या 0.68% की उछाल के साथ 81,635 पर चला गया है, जबकि निफ्टी 154.75 अंक या 0.62% की उछाल के साथ 24,977.90 पर आ पहुंचा है। बीएसई सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 82,129.49 का है और इसकी तरफ सेंसेक्स बढ़ रहा है। प्री ओपन में शेयर बाजार कैसा रहा? प्री ओपन में बीएसई का सेंसेक्स 302.74 अंक या 0.37% की बढ़त के साथ 81,388.95 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं एनएसई निफ्टी 83.80 अंक या 0.34% की हल्की तेजी के साथ 24,906.10 पर ट्रेड कर रहा था। सोमवार को शेयर बाजार की चाल तेज है और सेंसेक्स निफ्टी में उछाल देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है। आईटी स्टॉक्स भी आज ऊपर हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।